किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उस देश की एयरफोर्स का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। आज भारतीय एयरफोर्स चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए देश की एयरफोर्स की स्क्वाड्रन को बढ़ाने के साथ साथ फाइटर जेट को मॉडर्नाइज भी करना होता है। इसी में आज हम तेजस जेट के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फर्स्ट में। तो फिर शुरू करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मिक्की किस जेट को इस्तेमाल किया जाता है, पर समय के साथ ये जेट भी बहुत पुराने हो गए हैं। स्पेयर पार्ट की कमी के कारण इनके बार बार एक्सीडेंट भी हुए। अब एयरफोर्स को इन जेट को रिटायर करना था। रिटायर करने की जगह पर एक नए जेट की भी जरूरत एयरफोर्स को लगी। फिर 1980 में सरकार ने तेजस जेट को मंजूरी दी, जो कि HAL के द्वारा बनाया जाना था। अंत में 2001 में इस जेट ने पहली बार उड़ान भरी और इसे पहली बार 2015 में एयरफोर्स में शामिल किया गया और फ्लाइंग डैगर और फ्लाइंग ब्लेड स्क्वाड्रन बनाई गई। यह एक लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। वहीं चाइना और पाकिस्तान ने साझा रूप से तैयार किया JS-17 जेट। तेजस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, परंतु तेजस 4+ जनरेशन होने के साथ इसमें कई नए सेंसर का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यह JF-17 से कहीं बेहतर है। JF-17 जहाँ कई देशों को एक्सपोर्ट किया गया है, वहीं तेजस को आज तक एक भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया गया। इसका जिम्मेदार HAL का खराब प्रोडक्शन रिकॉर्ड है, परंतु बीते कुछ सालों में HAL ने इस रिकॉर्ड को सुधारा है। तेजस बेशक एक काफ़ी अच्छा जेट है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तेजस जेट ने अब तक 6,000 से ज़्यादा सोर्टीज को बिना किसी एक्सीडेंट के पूरा किया है। अब इसका एक नया वर्जन तेजस Mk1A भी बनाया गया है। इसकी इसी खासियत के कारण सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए की लागत से तेजस जेट के 83 यूनिट का ऑर्डर HAL को दिया है। इसमें 10 ट्रेनर जेट हैं और अब तेजस जेट को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल लेट्स फर्स्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।